Hi guys, what's up? So today's video is going to be about a week in my life, but it has some bits and points of a week in my life because it's about a fun week in my life actually. कि मेरा मज़े वाला वीक कैसे चलता है. एंड मैं हर दिन तो व्लॉग नहीं किया क्योंकि हर दिन मेरा उतना मन से नहीं करता है. हर दिन मैं बोरी हो रही होती हूँ, स्पेशली लॉकडाउन में. बट हाँ, इस वीक को कुछ दिन थे जब मैं स्कूल गई, जब मैंने बाहर जाकर खाना खाया, फिर मैंने हेयर कट कराया, मैं शॉपिंग में गई. हाउएवर मैंने शॉपिंग का व्लॉग नहीं किया था क्योंकि आई मुझे ऐसे चिल डे अपने फैमिली के साथ काटने का मन था, इसलिए मैंने शॉपिंग का व्लॉग नहीं किया था. बट हाँ, इसमें कुछ फन डेज थे इस वीक में मेरे, तो मैंने वो व्लॉग किया. मैं ग्रॉसरी शॉपिंग भी गई थी तो मैंने वो भी व्लॉग किया. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज का पसंद आया क्योंकि इट्स अ फन वीक. मैंने बहुत सारे काम किए और थोड़े बहुत क्लिप्स हैं, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ हैं, तो मैं सबको ज्वाइन करके ये वीडियो देने वाली हूँ. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए. प्लीज़ माइंड मत करना कि फ़ोटोज़ और वीडियो लेके मैं ले रही हूँ क्योंकि मैंने हर दिन तक व्लॉग नहीं किया क्योंकि मुझे भी मन था थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम काटने का इसलिए. बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और हाँ, इसके साथ ये वीडियो चालू करते हैं. ऑल्सो गाइज, मैं एक चीज़ बताना भूल गई. अगर आप इस चेहरे को, इस मासूम से चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल पे वीडियो बनाती हूँ. तो अगर आप लोगों को ब्लॉग्स, एडिट, लाइफस्टाइल वीडियोज़ और कोई फैशन रिलेटेड कॉन्टेंट मिलता पसंद है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ पर लाइक, कमेंट और वीडियोज़ को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ. और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो दूँ आप लोगों को नोटिफाई हो जाए. और हाँ, बिना बकबक करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. गाइस, मेरा वीक चालू हुआ ट्यूसडे को. ट्यूसडे को मैं गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने और थोड़े बहुत एरन्स रन करने क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम थे, तो मैं वो पूरा करने गई थी. और फिर मैं गई थी अपने लोकल स्टोर में. अपने लोकल स्टोर वो थोड़ा छोटा सा मॉल टाइप का है जिसमें आप लोगों को सिर्फ खाने पीने के आइटम मिलेंगे, तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें पिक की. तो पहले आप लोग उसका क्लिप्स देख लीजिए. चीज़ें पिकअप किए और फिर मैं घर चली आई. तो घर आने के बाद मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा हॉल फिल्म किया था जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या उठाया उस लोकल स्टोर से. सो आप लोगों को अगर ये हॉल पसंद आए तो जाइए और देखिए ये हॉल. सो गाइज, आई जस्ट रिटर्न बैक होम एज यू कैन सी एंड आई थॉट आई क्विकली शेयर विद यू गाइज वट ऑल आई गॉट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट ओवर हियर इज अ आइसक्रीम. इट्स द अमूल ट्राइकोन आइसक्रीम इन द फ्लेवर केसर पिस्ता. माई मॉम ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग इट, सो इट इज़ लाइक दिस. देन आई गॉट दिस अमूल का 2-in-1 आइसक्रीम फॉर माई फादर एंड दिस इज़ दैट. एंड देन मी एंड माई सिस्टर बोथ ऑफ अस गॉट दिस कुल्फी, अमूल का कुल्फी. इट इज़ इन द फ्लेवर, इट सेज राजभोग कुल्फी. सो या वी गॉट दिस, सो आई विल ईट इट आफ्टर माई डिनर एज अ डेजर्ट. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. सो गाइज, एज यू कैन सी आई एम इन माई पीजेज एंड आई रियली लुक लाइक अ मेस बिकॉज वॉट इज दिस हेयर स्टाइल. बट अदर देन द आइसक्रीम आई ऑल्सो गॉट सम अदर थिंग्स, सो आई थॉट आई शो यू गाइज दैट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस पैकेट ऑफ पोहा. इट्स by the company brand one, that is what it says over here. It's poha flattened rice, you can call it in English, and this retails for 70 rupees, but there was some offer so I got it for 30 bucks only for 500 grams. aadha kg ke liye 30 rupees mein mujhe aadha kg mil gaya, to maine do utha liye. fir maine ye utha liye, ye hai currant chili pepper hot and spicy रामेन और नूडल्स. बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ये, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्पाइसी चीज़ें. सो मैंने ये और दो उठा लिए. ये 20 रुपये का एक पैकेट है, सो दोनों मिला के मुझे 40 का पड़ा. फिर मैंने लिया है एक ये डिपस्टर एंड भी 20 रुपीज़ का है, तो मैंने ये लिया. और उसके साथ मेरा स्नैक्स हॉल ख़त्म होता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया. जो ग्रोसरीज लिए मैंने मम्मी को दे दिया और स्नैक्स में बस इतना ही था. इस सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या क्या सामान लिए हैं. वो ऐसे ही चला मेरा कुछ ट्यूसडे का दिन और फिर आ गया वेडनेसडे. वेडनेसडे को निकल गया मेरा एक प्लान. तो मैं गई थी स्कूल जिससे मैं पास आउट कर चुकी हूँ. लगभग 2 साल हो गए मैं मुझे पास आउट किए हुए एंड मैं गई थी अपने स्कूल. तो मुझे बहुत ऐसे बुरा फील हुआ क्योंकि मेरा स्कूल पूरा बंद पड़ा था
और काफ़ी गंदा लगा, बट हाँ मैं उसके कुछ क्लिप्स और फोटोज़ यहाँ पर ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिए मेरा स्कूल कैसा दिखता है। मैं वहाँ गई थी अपना सिक्योरिटी मनी कलेक्ट करने के लिए जो हमें स्कूल में देना पड़ता है, और वो मुझे मिल गया। तो चीज़ें मैं कह रही थी वहाँ स्कूल से आने के बाद मैंने किया रेस्ट अपने घर पर, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने स्कूल गई, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए, मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ गई थी तो उसके साथ भी फ़ोटोज़ क्लिक किए, और फिर हम लोग दोनों आ गए घर, अपने अपने घर ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे। और ट्यूसडे का दिन मेरा कट गया ऐसे ही, आप लोगों को पिक्चर्स तो आप लोगों ने देखा होगा। तो हाँ, मेरा ट्यूसडे का दिन कुछ ऐसे कटा पे। और थर्सडे हम लोग गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड गए थे ढाबा भाई अंबेर, और ये एक रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ पर सिलीगुड़ी में खुला हुआ। तो हम लोगों को बस बोरिंग लग रहा था, तो हम लोगों ने प्लान बनाया और हम लोग गए वहाँ पर, और हम लोगों ने खाना वाना खाया, इन्जॉय किया उसका भी। तो गाइस थर्सडे को हम लोग गए थे उस रेस्टोरेंट में और हमने खाया, हमने हक्का नूडल्स मंगाया था और हम लोगों ने लेमनेड फ्रेश लाइम सोडा मंगाया था एज अ सोडा, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है, बहुत गर्मी हो रही है सिलीगुड़ी में इसलिए। और मैं अपने दोस्त की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि प्राइवेसी रीजंस की वजह से। बट ट्यूसडे मेरा कुछ करता ऐसे ही, मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, और यहाँ के एक एक रेस्टोरेंट बहुत ही फोटोजेनिक है, बहुत ही फ़ोटो अप्रोप्रिएट प्लेसेस होते हैं। तो मैंने बहुत सारे कूल बैकग्राउंड्स में फ़ोटो खींचे, और तब मेरे बाल भी लंबे थे इसलिए हाँ आप लोगों को वो देखने को मिलेगा, और ग्रेट। और फिर आ गया सैटरडे, सैटरडे गई थी मैं डोमिनोज़ अपनी मम्मी के साथ, एंड मम्मी को काफ़ी अच्छा था डोमिनोज़ का, वो जो मीट बॉल्स पेरी पेरी मीट बॉल्स आना है वो आता है वो खाने को, तो इसलिए हम लोग दोनों गए थे डोमिनोज़। और वहाँ पर हम लोगों ने, मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटो खींची, मम्मी ने थोड़ी बहुत फ़ोटो खींची, तो मैं वो ऐड कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने मीट बॉल्स मंगाया, हम लोगों ने खाया, हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींचे, एंड फिर हम लोग आ गए घर। तो सैटरडे हो गया वहीं पर ख़त्म, संडे था मेरा शॉपिंग डे, तो मैं शॉपिंग पे गई एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने अपना हेयर कट कराया, आप लोग देख सकते हैं मेरे हेयर कितने छोटे हो गए, लाइक मेरे हेयर इतने लंबे हो गए थे और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थे, तो इसलिए मैं बहुत छोटी चली गई, मैंने छोटा करवा दिया। बाल है बढ़ी जाएंगे तो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है आई डोंट केयर, आप लोग बताइए कमेंट्स में वैसे तो कैसा लग रहा है मेरा हेयर, बट हाँ बाल है बड़े हो जाएंगे ओवर द ईयर्स, मैंने यही सीखा है कि ठीक है हेयर से बड़े हो जाएंगे उसके लिए रोना नहीं पड़ता, बट मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अपने हेयर, छोटे हो गए हेल्दी हो गए, सो दैट इज़ ग्रेट। और लॉकडाउन में कभी निकल भी नहीं रहे कहीं, सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। सो मैंने बहुत शॉपिंग की वहाँ पर, और फिर मैंने खाना खाया, सबका क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी आप लोग देख लो। और फिर मैंने किया बहुत सारा शॉपिंग पैंटलून से, उसका एक सेपरेट हॉल मैं बना दूँगी, और फिर क्योंकि पैंटलून से मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया तो उसका एक अलग हॉल बना दूँगी, लेकिन ये वीडियो बहुत खिंच जाएगा। बट अदर देन दैट, फिर पैंटलून से शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाया वहाँ पर, और फिर हम लोग गए सुपर 99 में, बहुत क्यूट क्यूट स्टफ है, हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की है सुपर 99 से, सो उसका हॉल मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी। सुपर 99 से शॉपिंग करने के बाद हम लोग गए पार्लर में जाके, पार्लर का भी फोटो मैं ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैंने अपने हेयर लेयर में बहुत शॉर्ट कर लिया, आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसा कुछ लग रहा है मेरा हेयर, इसे अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे कैसा लगा। और फिर पार्लर से कट करवाने के बाद हम लोग आ गए घर। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने सुपर 99 से काफ़ी शॉपिंग की है, तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा बैग, इतना बड़ा मुझे बैग दिया गया है वहाँ से, तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि क्यूट चीज़ें देख के मैं और मम्मी बिल्कुल पिघल जाता है। हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली वहाँ से, हम लोगों को एक्चुअली कोई इंटेंशन भी नहीं था वहाँ से शॉपिंग करने का, बट हो गया क्योंकि काफ़ी क्यूट स्टफ्स थे। और पर ऐसा कुछ इसका बैग, और अब मैं आपको क्विकली बता देती कि मैंने क्या दिया। तो जो फर्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो एक कंटेनर का सेट है, बाय द कंपनी नयासा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ऐसा कुछ इसका सेट है। और इसमें मम्मी को शायद नमक वमक कुछ रखना होगा, इसलिए मम्मी ने ये पूरा कंटेनर का सेट ले लिया। एंड हाँ, ये काफ़ी अच्छा है, इसका ओरिजिनल प्राइस 169 है, पर ऑफर प्राइस में 149 में मिला हम लोगों को, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, और इसका ऑफर प्राइस है 169। सब स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, और यहाँ पर दवाई भी दिया हुआ है ताकि कीड़े ना कुछ करे इसके लिए। तो ये पहला आइटम मम्मी ने लिया है, ये कंटेनर्स, काफ़ी अच्छा कंटेनर है, इसका लिड पूरा ग्रे कलर का है और ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, तो हम लोग को दिख भी जाएगा कि क्या है इसमें। तो पहला आइटम ये है। फिर मम्मी ने लिया है एक सोप केस, जिसमें सोप रखने का होता है, और इसका प्राइस है 79 रुपीज़।
मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी अगर आपको ना दिखा हो तो। और ये बहुत ही क्यूट ब्लश पिंक कलर में है, पिंक कलर में है, कुछ ऐसा है ये सरफेस। मैं बाहर निकलते दिखाती हूँ। और इसका एक अच्छा बात है कि जब आप सोप रखते हो ना तो वाटर कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप इसको निकाल के वाटर को फेंक सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिटेलिंग, श्योर डिटेलिंग है, थोड़े होल्स वगैरह है, तो काफ़ी अच्छा है। ये कंपनी है इसका कलर लाइट ऐसा लिखा हुआ है, और प्राइस है 79 रुपीज़, पिंक कलर का है, सो काफ़ी अच्छा है ये सोप केस। और मम्मी ने शायद 2 सोप केस लिए, मुझे दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। थर्ड आइटम है मम्मी ने जो लिया है वो है ये ट्रे, ये ब्लैक कलर का छोटा सा ट्रे है, मम्मी को कुछ रखना होगा इसलिए मम्मी ने ये पिकअप कर लिया। और इसका प्राइस है 69 रुपीज़, एंड सब कुछ ये सुपर 99 की तरफ से, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, एंड ये ब्लैक कलर का छोटा सा ट्रे है। सो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी काम में आ जाता है, मुझे भी काफ़ी ट्रेज लगते हैं ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए और मिसेलेनियस आइटम रखने के लिए इसके लिए। सो जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये क्लियर ग्लास जार, और इसका लिड कुछ ऐसा है, मम्मी को शायद इसमें अचार या नमक रखना होगा इसलिए मम्मी ने लिया है। इसका लिड कुछ ऐसा येलो टाइप का फॉर्म में है, और ये बहुत क्लियर ग्लास है, छोटू सा एक है जिसमें मम्मी शायद कुछ रखेगी। और इसका प्राइस है, और इसका कैपेसिटी है 250 ml, और प्राइस है 69 रुपीज़, 70 रुपीज़। और ऐसा दिखता है कुछ, ये काफ़ी अच्छा है, छोटा सा है, स्टर्डी सा है, कहीं भी फिट आ जाएगा, तो अच्छा है। इसका क्वालिटी, इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, सो दैट इज़ ग्रेट। अब जो नेक्स्ट चीज़ मम्मी ने ली है वो है ये बॉटल, एक्चुअली ये मेरी दीदी के लिए है, वो ऑफिस जाती है तो उसको बॉटल की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने ये ले लिया। और इसका प्राइस है 179 रुपीज़, एंड कैपेसिटी है 400 ml, एंड मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी क्यूट सा है, और उस पर लिखा हुआ है माई बॉटल, मुझे भी ले लेना चाहिए था, मैं कभी और जाऊँगी तो ले लूँगी। और ये इसका कवर, इसको खोलने पर आपको एक क्लियर ग्लास बॉटल मिलता है, और लिड ऐसा है, ऐसे खोलने से पूरा ग्लास का बॉटल है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। प्लास्टिक हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादातर, इसलिए ये अच्छा भी है, ग्लास भी है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसको बैक हम लोग अपने कवर में घुसा देंगे जिसमें लिखा हुआ है माई बॉटल, तो काफ़ी अच्छा सा क्वालिटी का तो है मुझे लग रहा है। और ये इस तरीके से कुछ वाइट पैकेजिंग में आया था, इसमें लिखा हुआ है पोर्टेबल ग्रीन टेस्टलेस हर्मेटिक ग्लास मटीरियल, सो हाँ काफ़ी अच्छा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मम्मी ने लिया है वो है ये छोटा सा कढ़ाई टाइप का, एक एक्चुअली बोल टाइप का, बड़ा सा बोल टाइप का जिसमें हैंडल दिया हुआ है। ये पूरा ही ब्लैक कलर का है, एंड ब्लैक कलर हम फैमिली में हम सबको जनरली पसंद है, तो ऐसा आप लोग कुछ भी रख सकते हो, इट विल लुक वेरी फैंसी। अगर आप लोग कुछ भी बटर चिकन, हम चिली चिकन बनाती है, सो वो रखेंगे तो बहुत ही फैंसी लगेगा। एंड इसका प्राइस था 99 रुपीज़ ओनली, सो काफ़ी अच्छा है। ये पूरा ब्लैक कलर का है, ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, बट हाँ काफ़ी स्टर्डी मटेरियल का है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ, ये दो बोल्स, मम्मी ने ये दो बोल्स लिए, काफ़ी बड़े बड़े एक्चुअली बोल्स हैं, तो हम लोगों को इसमें लंच मम्मी सर्व कर देंगी। ये एक है 59 रुपीज़ ईच, एंड हाँ ऐसा कुछ ब्लैक बोल है, बहुत मैट, अंदर से मैट और बाहर से ग्लॉसी है। सो गाइस ये अंदर से बिल्कुल मैट और बाहर से थोड़ा सा ग्लॉसी है, इसलिए मुझे और मम्मी को काफ़ी पसंद आ गया, तो हमने ये भी उठा लिया। एंड हाँ नेक्स्ट आइटम है ये। अब नेक्स्ट आइटम जो है वो एक मेरा है, मुझे ऐसे बोल्स की काफ़ी शौक था, तो मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा, बट लाइक मुझे 2-3 बोल्स में चाहिए थे, छोटा सा ही बोल्स चाहिए था फॉर स्नैक्स एंड ऑल, सो ये मुझे वहाँ पर मिल गया तो मैंने उठा लिया। काफ़ी अच्छा, आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन में एक डिज़ाइन भी दिया हुआ है, और ऐसे प्लेट आप लोग को काफ़ी रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलेगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग गया तो मैंने उठा लिया। इसका प्राइस है 69 रुपीज़, और इसका भी इनसाइड पार्ट मैट ब्लैक है, एंड हाँ काफ़ी अच्छा है, स्टर्डी मटेरियल है, सो वेरी गुड। लास्ट आइटम है वो है ये नॉर्मल मैट है रखने के लिए, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा एक नॉर्मल मैट है, एंड आई डोंट नो इसका प्राइस लिखा हुआ है भी कि नहीं, आई विल मेंशन इट इन द स्क्रीन अबव, सो आप लोग देख लीजिएगा, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स इन अ वेरी प्रिटी पिंक कलर, और काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसलिए हाँ अच्छा लग गया मम्मी को, तो मम्मी ने उठा लिया। एंड मम्मी ने एक्चुअली 2 उठाए, दोनों पिंक कलर के हैं। और फिर एक और जो साबुन का केस है वो है ये, उसका भीतर का पार्ट खुल गया, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और हाँ इसी के साथ ये हॉल ख़त्म होता है।
ज़्यादातर चीज़ें तो मम्मी की ही है, बट हाँ यही कुछ सामान हम लोगों ने लिया था सुपर 99 के लिए। वीक इन माई लाइफ रोज़ ऐसे नहीं करते, कुछ कुछ वीक्स मेरा एकदम ही खराब करता है, लेजी बिल्कुल मैं सोए रहती हूँ ऐसा नहीं करता है, पर ये था एक फनिंग वीक इन माई लाइफ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सब पसंद आएगी ये वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है इसलिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है और आप लोगों को ये चेहरा भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए जो सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल पास होता है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोज़ दूँ तो वो आपको दिख जाए। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तो उसके लिए आप लोग ट्यून रहिएगा। बाय बाय, लव यू गाइस।